हेलो फ्रेंड, इट्स मी श्रुति मिश्रा, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कंपैरिजन वीडियो, और आज मैं कंपेयर करूँगी लवली एडवांस मल्टीविटामिन हाई डेफिनेशन ग्लो क्रीम को लवली सन प्रोटेक्ट एसपीएफ 30 ग्लो विद यूवी प्रोटेक्शन क्रीम के साथ। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कौन सी क्रीम आपके लिए है और कौन सी क्रीम आपको परचेज करनी है। सो फ्रेंड, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा एंड मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब माय चैनल बाय प्रेसिंग रेड बटन, जस्ट बगल में लगा बेल बटन उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रोडक्ट रिलेटेड कोई क्वेरी है आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। फेयर एंड लवली सन प्रोटेक्ट एसपीएफ 30 ग्लो विद यूवी प्रोटेक्शन क्रीम गाइज, ये 25 ग्राम का ट्यूब है और इसका प्राइस 72 रुपीज़ और इसकी शेल्फ लाइफ 3 इयर्स की है। जबकि फेयर एंड लवली एडवांस मल्टीविटामिन हाई डेफिनेशन ग्लो क्रीम, ये भी 25 ग्राम का ट्यूब है एंड इसका प्राइस 51 रुपीज़ और इसकी शेल्फ लाइफ 3 इयर्स की है। प्रोटेक्शन क्रीम एसपीएफ 30 के साथ आती है, जबकि फेयर एंड लवली एचडी ग्लो क्रीम कोई भी सन प्रोटेक्शन के साथ नहीं आती है। अगर पैकेजिंग की बात करें गाइस, तो दोनों ट्यूब एक ही तरीके की पैकिंग में आते हैं, दोनों एक ही ब्रांड से हैं, तो उनकी पैकिंग भी सिमिलर है, पैकिंग को डिस्कस करना बेकार है। अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें गाइस, तो फेयर एंड लवली एसपीएफ 30 क्रीम में पूरे इंग्रेडिएंट मेंशन किए गए हैं और इसमें केमिकल हैं बहुत सारे और इसमें पैराबेन भी मिक्स किया गया है। जबकि फेयर एंड लवली एचडी ग्लो क्रीम में इस ट्यूब के पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं किए गए हैं, जो कि मुझे इसका ड्रॉबैक लगा। इसके कार्डबोर्ड पैकिंग में हो सकता है कि इसका इंग्रेडिएंट मेंशन किया गया हो, बट वो मुझसे मिस हो गई है, सो मुझे नहीं पता है। अगर मुझे कहीं मिलते हैं इसके इंग्रेडिएंट तो मैं स्क्रीन में ज़रूर दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। इसकी बात की जाए गाइस, तो अभी मैं लेती हूँ अपने हाथ में फेयर एंड लवली सन प्रोटेक्शन क्रीम और दूसरी तरफ मैं लेती हूँ हाथ में फेयर एंड लवली एचडी ग्लो क्रीम। आप देख सकते हैं दोनों की कंसिस्टेंसी थोड़ी थोड़ी सिमिलर है, बट जो एचडी ग्लो क्रीम है थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी की है, जबकि ये थोड़ी सी लाइट और स्मूथ फिनिश देती है। स्मूथ टाइप की क्रीम है, मैं इसको ब्लेंड करके दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाती है और कोई भी वाइट कास्ट नहीं दे रही है हैंड में, आप देख सकते हैं। जबकि एचडी ग्लो क्रीम को थोड़ा सा ब्लेंड करना मुश्किल है, ये थोड़ी सी ड्राई होने लगती है और ड्राई फिनिश देती है, थोड़ी सी वाइट कास्ट देती है। आप देख सकते हैं कि इसमें फेयरनेस ज़्यादा लग रही है, जबकि ये नेचुरल फिनिश लग रहा है, आप डिफरेंस देख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि जो इसकी सन प्रोटेक्शन क्रीम है उसकी फिनिश ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू दिस फेयर एंड लवली एचडी ग्लो क्रीम। ये थोड़ा सा वाइट कास्ट देती है और स्किन में इतनी जल्दी ब्लेंड नहीं होती, थोड़ा सा चौकी फिनिश टाइप की देती है। की बात करें गाइस, तो फेयर एंड लवली सन प्रोटेक्शन क्रीम क्लेम करती है सन प्रोटेक्शन ग्लो देने का, सन प्रोटेक्शन और ग्लो देने का, जबकि फेयर एंड लवली मल्टी विटामिन क्रीम हाई डेफिनेशन ग्लो ये फेयरनेस क्लेम करती है। सो गाइज, अगर दोनों क्रीम अपने अपने क्लेम पे परफेक्ट रहती हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म में फेयर एंड लवली एचडी ग्लो क्रीम यूज़ करते हो काफ़ी दिन तक, तो आपका स्किन टोन 1 to 2 tone क्लियर होगा, जबकि फेयर एंड लवली सन प्रोटेक्ट एसपीएफ 30 क्रीम आपको सन प्रोटेक्शन देगी और स्किन में ग्लो देगी, और साथ ही साथ ये थोड़ा सा फेस को मॉइस्चराइज करेगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा चेहरा ग्लो करेगा। अब बात करें कि कौन सी क्रीम किसके लिए है, जो कि इस वीडियो का मेन पॉइंट है। अगर आपकी ड्राई स्किन है और आप फेयर एंड लवली का जो फॉर्मूला है उसको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ड्रायर साइड है, चौकी फिनिश देता है, तो आप डेफिनेटली फेयर एंड लवली सन प्रोटेक्शन एसपीएफ 30 क्रीम ट्राई कर सकते हैं। इसकी फिनिश बिल्कुल अलग है, ये स्किन में ब्लेंड हो जाती है, कहीं से भी चौकी फिनिश नहीं देती, नेचुरल ग्लो देती है और साथ ही साथ सन प्रोटेक्शन देती है। ये एसपीएफ विद एसपीएफ है, तो ये आपको एक सनस्क्रीन की तरीके भी काम करेगा। जबकि अगर आप फेयरनेस चाहते हो, आपकी ऑयली स्किन है और आप एक लॉन्ग टर्म अच्छी सी क्रीम चाहते हो, तो आप फेयर एंड लवली एचडी ग्लो क्रीम ट्राई कर सकते हो। मुझे फेयर एंड लवली क्रीम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें ब्लीच मिली ऐसा वैसा, मुझे नहीं लगता। मैंने देखा है लोग इसको अगर लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं तो उनके फेस का जो कलर है 1 to 2 tone क्लियर हो जाता है, जो कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो रेगुलर यूज़ करते हैं, इसका रिजल्ट उनको मिलता है। सो फ्रेंड, ये था मेरा छोटा सा कंपैरिजन वीडियो फेयर एंड लवली सन प्रोटेक्ट एसपीएफ 30 एंड फेयर एंड लवली एचडी ग्लो क्रीम के बारे में। आई होप आपको मेरा वीडियो
समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई करूँगी, सबकी हेल्प करूँगी एज सून एज पॉसिबल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।